बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास वन की मैथमेटिक्स पर है और ये है जी पंजाब टेक्स्ट बुक। आज की वीडियो में बच्चों हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं यूनिट नंबर टू नंबर ऑपरेशंस। इसका पेज नंबर 63 ओपन कर लें आप सब, ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस सॉल्यूशन को समझ सकें और चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले देखिए, यहाँ आपने फोर में से फोर माइनस करना है पहले सम में। तो आप पहले फोर लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, इनको कट कर देंगे। फोर ही कट करनी है ना, तो इसीलिए फोर में से जब, यानी हमने जब फोर निकाला तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ गया। अब हमने एट लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें सेवन लाइन्स कट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, तो वन लाइन बच गई पीछे, तो यानी हमारे पास आंसर आ गया है 10। टू लाइन्स ड्रॉ करेंगे दूसरे क्वेश्चन में और टू लाइन्स ही कट हो जाएंगी, तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। अब हम सिक्स लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से टू कट कर दें, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 4। इसी तरह जब हम नाइन लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जिसमें से फाइव लाइन्स कट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये देखिए फाइव लाइन्स कट करनी थी, 1 2 3 4 5, बाकी ये कितनी बच गई पीछे हमारे पास, 1 2 3 4, फोर लाइन्स बच गई हैं। अब सेवन लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फोर लाइंस कट कर देंगे, 1 2 3 4, तो पीछे कितने बच गए, थ्री लाइंस। अब यहाँ पर देखिए एट लाइंस ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से सिक्स हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, सिक्स लाइंस कट हो गई, पीछे बच गया 2। इसी तरह यहाँ से हमने एट लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फाइव लाइंस कट कर दी, 1 2 3 4 5, जिसमें से कितनी बच गई, थ्री लाइंस बच गई हैं। अब यहाँ हमारे पास देखिए वन लाइन है और वो कह रहे हैं कि वन में से आपने ज़ीरो निकालना है। ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम ज़ीरो के साथ जब भी कोई चीज़ माइनस या प्लस करते हैं तो आंसर इटसेल्फ वो वैल्यू होती है, यानी वन। यहाँ हम नाइन लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेवन कट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे कितनी बच गई, टू लाइंस बच गई। टू लाइंस ड्रॉ करेंगे, उनमें से टू ही कट कर देनी है, तो आंसर हमारे पास आ जाता है ज़ीरो। सेम इसी तरह यहाँ से हमने सेवन लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, सिक्स लाइंस कट कर दें, 1 2 3 4 5 6, पीछे कितनी बच गई, वन लाइन बच गई। अब सिक्स लाइंस ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6, सिक्स में से ज़ीरो कट करनी है, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसीलिए अब आंसर ज़ीरो नहीं सिक्स आएगा। नाइन लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थ्री लाइंस कट कर दें, 1 2 3, पीछे कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 6, तो पीछे आंसर आ गया हमारे पास सिक्स। लाइन नाइन लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टू कट कर दें, कितने पीछे बच गई, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन लाइंस बच गई पीछे। अब दोबारा से हम नाइन लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये नाइन, उसमें से एट लाइंस हम कट कर देंगे, एट लाइंस हमने कट कर दी, पीछे बच गया 1। ये देखिए इस तरह करके हमने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किए हैं टेंस एंड वेंस में। अब हम इसके मुतालिक थोड़े से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी जिन्हें कहा जाता है, इसको सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं हमज़ा हैड 72 सी शेल्स, हमज़ा के पास 72 सी शेल्स हैं, जिनमें से 32 सी शेल्स जो है ना उसने अपनी बहन हिना को दी हैं, ठीक है। अब बताएं कि पीछे कितने सी शेल्स बच गए हैं, तो हम लिखेंगे 72 माइनस 32, ठीक है। अब टू में से जब हम टू निकालेंगे तो आंसर आएगा ज़ीरो, सेवन में से जब फोर निकालेंगे, थ्री निकालेंगे, तो आंसर आता है 4, क्योंकि किस तरह पता चलता है, वो सेवन लाइंस ड्रॉ करके, 1 2 3 4 5 6 7, थ्री कट कर दें, तो आंसर हमारे पास पीछे 4 आ जाता है।
इसी तरह से ये दूसरा न्यूमेरिकल है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक स्टोरी बुक है जिसमें 66 पेज हैं, जिनमें से 34 पेज जो हैं वो सारा ने रीड कर लिया, कितने पीछे बच गए हैं वो आपने बताना है। तो आपने टोटल पहले स्टोरी बुक 66 थी, उसमें से कितने माफ़ करने, 34 जो है ना उसमें से हमने रिमूव करने हैं, यानी क्योंकि वो हमने रीड कर लिए हैं ना। तो आप 6 कट लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 4 लाइन्स कट कर देंगे, 1 2 3 4, पीछे कितनी बच गई, 2। सेम इसी तरह 6 में से 3 निकालेंगे तो आंसर आएगा 3। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं जिसमें हम 70 में से हमने माइनस कर देना है 60 को, ठीक है। तो 0 आ गया, 7 में से 6 निकाला तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1, ठीक है। ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गए पेज नंबर 63 के जो थे। अब पेज नंबर नेक्स्ट पेज के पेज नंबर 64 की तरफ चलते हैं, जिसमें आप सब बच्चे पेज नंबर 64 को ओपन कर लें। इसमें भी हमने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन ही करने, यहाँ 5 में से 4 निकाला तो 1 आ गया। अब देखिए 17 है, 17 आपने साइड पर इस तरह लिख देना, ये इस तरह सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। 17 में से आपने पहले 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं इसलिए 1 एज इट इज़ आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ गया 12। इसी तरह 11 में से हमने 5 निकालने हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, देखिए 11 अब 5 है, 5 से आगे आप पढ़ लें 6 7 8 9 10 11, तो ये 6 आंसर आता है इसका। 18 में से 14 माइनस किए 4, 8 में से 3 माइनस 3 के बाद 4 5 6 7 8 5, 19 में से 10 माइनस किए आंसर आया 9। अब यहाँ देखिए अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है आपने। 9 में से देखिए 4 हमने कट कर दिए हैं, टॉफ़ी बॉक्स के पीछे कितने बच गए, 1 2 3 4 5 5 बच गए। अच्छा यहाँ पर वो कह रहे हैं जो रिंग है इसके अंदर 10 है टोटल जो है ना बॉल्स, और इसमें बिखरे हुए ये 5 हैं, इनमें से कट किए 3, तो ये 10 और 10 के बाद 11 12, तो आंसर 12 आया ना। तो यानी अब ये टोटल कितने हुए, ये 15 वाला हो गया। अब 15 में से हमने कितने सब्ट्रैक्ट किए, 1 2 3 3 सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ आंसर आएगा 3। अब 6 में से कितने निकालेंगे तो आंसर 5 आएगा 1। इसी तरह 14 में से कितने कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे तो आंसर 10 आएगा। 6 में से 8 में से 6 के बाद 7 8 2 आ जाएगा। 10 में से जब 7 माइनस किया आंसर आया 3। इसी तरह यहाँ पर हमने एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको माइनस करें तो आंसर 3 आए, तो हम देखिए 8 के बाद 9 8 5 के बाद 6 7 8, तो यहाँ पर ये आंसर आएगी वैल्यू 8। 11 में हम 11 आंसर आना चाहिए, 8 में से हमने कितने क्या चीज़ माइनस करनी है, तो 8 में से अगर आप 19 माइनस करें तो आंसर 11 आता है। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो, आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुलाकात होती है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।